वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। एक वक्त था जब अक्षय कुमार, रवीना टंडन से लेकर सलमान खान, संगीता बिजलानी तक की मोहब्बतों के रिश्ते माया नगरी में हर तरफ सुनाई देते थे। किसी की शादी के कार्ड छप गए थे तो किसी की सगाई हो गई थी, लेकिन शादी से पहले ही इनकी जोड़ियां टूट गई थी। आज आपको दिखाते हैं वो प्रेम कहानियां जहां सगाई तो हो गई थी लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंची। सलमान का पहला प्यार एक्ट्रेस संगीता बिजलानी थी। दोनों की सगाई के बाद शादी के कार्ड प्रिंट हो चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर संगीता बिजलानी ने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया। लेखक जसीम खान की लिखी किताब बींग सलमान की माने तो 27 मई 1994 को दोनों की शादी होनी तय हो गई थी, जिसके बाद से अभी तक सलमान खान ने शादी नहीं की है। उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना का प्यार बिग बॉस के घर पर परवान चढ़ा था और नच बलिए के मंच पर उपेन पटेल ने सगाई की अंगूठी देकर करिश्मा को प्रपोज किया था, मगर बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन 2002 में सगाई करने से पहले लंबे समय तक एक दूसरे के प्यार में दीवाने थे। दोनों की सगाई अक्टूबर 2002 में अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हुई थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और फरवरी 2003 में उनकी सगाई टूट गई। एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने इस बात का खुलासा किया था कि उनकी और अक्षय कुमार की सगाई हो चुकी है, मगर 3 साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और इनका रिश्ता शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। विवेक ओबराय की सगाई मॉडल गुरप्रीत गिल से हुई थी, लेकिन दोनों ने बाद में अपनी सगाई तोड़ दी क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगी थी। बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान और एक्ट्रेस गौहर खान की सगाई भी हो चुकी थी। एक इंटरव्यू के दौरान साजिद खान ने खुलासा किया था कि एक एक्ट्रेस से साल 2003 में उनकी सगाई हुई थी, लेकिन उनका ये रिश्ता भी टूट गया था। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।